जिला अस्पताल में 35,000 कोविशील्ड वैक्सीन आ गई है। पिछले एक महीने से कोविड वैक्सीनेशन के रुके हुए सिलसिले को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है उनको कोविशील्ड का डोज दिया जाएगा तथा जनपद में सभी PSC पर वैक्सीन उपलब्ध रहेगी, जहां पर लोग जाकर आसानी से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जिसके संबंध में एडिशनल CMO AK चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोविड वैक्सीनेशन डोज खत्म हो गया था, लेकिन फिर से 35,000 कोविड वैक्सीन आ गए हैं, जिससे रविवार को सभी PSC पर आरोग्य मेला के जरिए कैंप लगाकर छूटे हुए लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में पिछले 7 महीनों में 16 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। उन्होंने कहा कि रविवार को लगने वाले आरोग्य मेले में हर गांव की आशा छूटे हुए लोगों को लिस्ट तैयार करेंगी। जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए हैं उन लोगों को प्रेरित करके उन्हें वैक्सीन सेंटर पर ले जाकर उनका वैक्सीनेशन कराएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल CMO AK चौधरी ने कहा, रविवार को वैक्सीनेशन करना कोविशील्ड करना है, ये जो है वैक्सीन कुछ दिनों से जो है बीच में हमारे पास कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं थी, जो हमें मिल गई है, तो बहुत से लोग छूटे हुए हैं या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है वो इस मौके का फ़ायदा ले सकते हैं। 34,000 डोज हमारे गोरखपुर को उपलब्ध हुआ है और ये हम शुरुआत कर रहे हैं जो आरोग्य मेला रविवार को लगेगा, इसमें भी टीकाकरण किया जाएगा और सभी लोग आकर के इसमें जो है टीका लगा। सर अभी तक कितने डोज लगा चुके हैं? सर 34,000 डोज मिले हैं और अभी कुछ ही डोज लग पाए हैं, अभी लोग आ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा जागरूक करना जरूरी है कि लोग आए और अपना जो छूटे लोग हैं वो टीका लगवा लें। इसमें आशाओं की क्या भूमिका रहेगी? आशाओं की भूमिका जो भी मतलब फील्ड में उन्हें मिलते हैं वो ला करके टीका लगवा लें।